अब हम प्रायिकता से संबंधित चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 और 10 पे विचार करेंगे, यानी एक्सरसाइज 18 के अंदर मैंने आपको लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये दो क्वेश्चन और बोर्ड की तरफ से मोस्ट लग रहे हैं मेरे को, तो मैं ये भी करवा देता हूँ आपको। तो 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रायिकता ऑफ ए का मान हमें दिया गया है और प्रायिकता ऑफ ए नहीं का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है, वो कौन सा मैं भी आपको बताता हूँ, आंसर नंबर 6। हमेशा ध्यान रखें बोर्ड की कॉपी के अंदर आप सबसे पहले आंसर नंबर लिखें, आप किस प्रश्न को करने के लिए जा रहे हो, ये सबसे मोस्ट और महत्वपूर्ण बात है, अन्यथा हमारा किया हुआ काम निरर्थक रहता है, इसका कोई नंबर नहीं दिया जाता है। तो मेरे को दिया है वो लिखो, प्रायिकता ऑफ ए का मान कितना दिया गया है, 0.65। प्रायिकता ऑफ ए बराबर 0.65 और प्रायिकता ऑफ ए नहीं क्या है, प्रायिकता ऑफ ए नहीं का मान मेरे को ज्ञात करना है। तो यानी प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ ए नहीं, इन दोनों के मानों का योग किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। यानी किसी घटना के घटित होना और घटित नहीं होना दोनों का योग किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है, नंबर 1। प्रायिकता का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 या 1 से हमेशा छोटा होता है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो जो मान मेरे को दिया हुआ उसका मान रख देता हूँ, प्रायिकता ऑफ ए का मान कितना रखूंगा, 0.65 प्लस प्रायिकता ऑफ ए नहीं बराबर में कितना आएगा, 1। अब आप इसका पक्षांतरण कर दो, इसको उस तरफ भेजो, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्रायिकता ऑफ ए नहीं, क्या आ जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए नहीं बराबर में कितना हो जाएगा, 1-0.65। यानी जब आप 1 में से 0.65 घटाओगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, 1 को इसमें से घटा करके 0.64 लिख देते हैं, वो गलत होता है। क्यों, क्योंकि ये दशमलव की संख्या है, ये बगैर दशमलव की संख्या है, इनको घटाने के लिए आप विशेष तौर से आप ऐसा कच्चा काम कर लिया करो, 1.00 और इसको क्या लिखोगे, 0.65। अब आप इस प्रकार इसको घटा लिया करो ताकि गलती नहीं होगी, यहाँ हासिल लेंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गया कितना बच गया, 5, यहाँ 9 में से 6 गया कितना बचेगा आपके पास में, 3, यहाँ 0 था तो क्या बच गया, 0 थे, यानी मेरा आंसर 0.35 आ गया, कितना आया, 0.35। और ये प्रश्न बोर्ड के अंदर एक्चुअल में इसलिए दिया जाता है ताकि ये पता चले कि बच्चे को एक्चुअल में ये घटाना आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम कौन सा लेते हैं, 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये लो भैया क्वेश्चन नंबर आपका, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 10 का आंसर हम करने जा रहे हैं, आंसर नंबर 10। बहुत इजी प्रश्न है, इसके अंदर दो बात पूछी जाती है, या फिर तो आपको पूछा जाता है अच्छे पेन आने की प्रायिकता, और या फिर पूछ लेगा खराब पेन आने की प्रायिकता, इससे संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ हमें क्या पूछा जा रहा है, अच्छे होने की प्रायिकता क्या है, ध्यान से पढ़े प्रश्न को, किसी कारण खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, यानी किसी कारण खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छा निकाला जा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी किसी कारण खराब पेन
यानी खराब पेन की संख्या यहाँ ली नहीं है, लेकिन एक्चुअल में किताब के अंदर 12 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। किसी कारण 12 खराब पेन बुक के अंदर कितना दिया है हमें? 12 खराब पेन दिया गया है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं। यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, 12 खराब पेन, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। तो मेरे पास में अच्छे पेन कितने हैं और खराब पेन कितने हैं ये लिखूंगा। तो सबसे पहले लिखा खराब पेन, खराब पेन की संख्या कितनी आई मेरे पास में? 12। और अब मेरे पास में आ गए अच्छे पेन, अच्छे पेन कितने हो गए मेरे पास में? 132। तो मेरे पास में कुल पेन कितने हो जाएंगे? आप इसका टोटल कर लो, 2 कितने हो गए? 4, 3 रे कितना है? 4, 144 पेन हो गए टोटल मेरे पास में। जो कुल होता है वही मेरा कुल परिणाम होता है। तो मेरे पास में इस प्रश्न के अंदर कुल परिणाम कितना आ जाएगा? मैं लिख दूंगा कुल परिणाम, यानी कितना आया मेरे पास में? 144। कुल परिणाम कितना आया? 144। अब मेरे को किसकी प्रायिकता पूछी जा रही है? इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है? अच्छे होने की पूछी जा रही है। तो जितने अच्छे पेन है वही मेरा अनुकूल परिणाम बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणाम, ये लो भैया अनुकूल परिणाम मेरे पास में कितना आ गया? 132। अगर खराब पेन का पूछता तो मेरे पास में अनुकूल परिणाम कितने हो जाते? 12 हो जाते। इस बात का आप विशेष ध्यान रखो। अब आप फॉर्मूला लगा दो, जब आपको अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम मिल गया तो प्रायिकता ऑफ ई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? अनुकूल परिणाम बटे में क्या लिखूं मैं? कुल परिणाम। क्या लिखूं? कुल परिणाम। अब मैं प्रायिकता किसकी निकाल रहा हूं वो देखो, तो यानी अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो मैं यहां लिख दूंगा अच्छे पेन, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन मेरे पास में कितने हैं? 132 हैं, और कुल पेन कितना है? 144। ये मेरा आंसर आ गया। यदि आंसर कटता है तो उसको काट के सरल करके लिखना जरूरी होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे छोटे से छोटा अंक कौन सा है? 2। 2 का अगर इसमें भाग दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 66। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 72। फिर वापस 2 से कट रहा है ये, फिर आप 2 से काटें तो ये कितने बार कटेगा? 33 बार। ये बार कितनी बार कट जाएगा? 36 बार। फिर ये 3 से कट रहा है, फिर इसको 3 से काटो तो ये काटा मैंने तो कितना आया? 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये कितनी बार कट गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कुल मिला के मेरे को 11/12 इसका आंसर मिल गया। यानी मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 11/12। ये जो रफ काम है आपका, ये आप अलग से रफ कॉपी में कर सकते हो, और अगर आप इसमें लिखते हो तो भी आपका उत्तर गलत नहीं माना जाता है। लास्ट में आपको लिखना जरूरी है अतः, लास्ट में क्या लिखना है? अतः किसी कारण खराब पेन 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं, इसके अच्छे होने की प्रायिकता 11/12 आंसर आ गया है आपका। इसी के साथ आपका प्रायिकता का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम नया टॉपिक लेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।